नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। क्योंकि मेरे भाभी को सब कुछ पता चल गया है और वो मेरी शादी कहीं ना कहीं करने पर बुरी तरह से तुली हुई है। अरे नहीं आशा, ऐसा मत करना वरना अमर तो मर जाएगा। कैसी बातें करते हो, मैं वहां बात तक नहीं कर सकती। अगर शादी के लिए इनकार करूंगी तो सूली पर ही टांग दी जाऊंगी। तुम्हें काम क्यों नहीं करते, अपने घर वालों को बोलकर शादी की बात करने के लिए भेज दो ना। नहीं आशा, मैं अपने घर वालों से बात तो नहीं कर सकता। हाँ मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवा सकता हूं। भाभी, भाभी, भाभी गजब हो गया। क्या हुआ? वो आशा की भाभी उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करना चाहती है। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गई, फिर तुम्हारे क्या होगा? मेरा कबाड़ा हो जाएगा। कुछ करो भाभी, कुछ करो। मैं क्या करूं, जाकर माजी से बात करो। माजी से बात करूं? ना बाबा ना। भाभी तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा, बस एक बार आशा से मिल लो प्लीज। उमा, ये क्या चोरी छुपी देख रही है? मुझसे क्या पूछते हो, तुम ही झांक के देख लो। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारे प्यार की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर तुम वाकई मुझे चाहती हो, मेरी जिंदगी और मेरे प्यार का तुम्हें जरा भी ख्याल है तो तुम वहां जरूर होगी। मैं वहां आकर क्या करूंगी? वो सब मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा, वरना इस घर के तो दरवाजे खिड़की पर्दे सबके कान है, यहां तक के हवाओं के भी कान है। वहीं पर एकांत में बैठ के बात करेंगे, तुम आना प्लीज। अमर क्या कह रहा था? पागल है, उठपटांग बकता रहता है। मेरे ख्याल से उसकी उम्र हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। वाकई कर देनी चाहिए, पर निकल आए उसके, इससे पहले कि वो बहुत ऊंचा उड़े शादी की कैंची से उसके पर कतर डालने चाहिए। आज बहुत डार्लिंग वाले फोन आ रहे हैं, कल तेरा चक्कर तो नहीं? नहीं तो भाभी। हेलो। अरे बाप रे, नमस्कार, हम बिप्ता प्रसाद यादव देवरियापुर। हेलो, क्या काम है तुम्हें? जी हम टेलीफोन एक्सचेंज में मैकेनिक हूँ, आपका स्क्रू टाइट करने आया हूँ। क्या? जी हमारा मतलब है कि हमें एक्सचेंज से ऐसी न्यूज मिली है कि आपका जो टेलीफोन है ना बार बार रॉन्ग नंबर बजा रहा है। बजा रहा है? हाँ हाँ। तो उसी को चेक करने के लिए आया हूँ, जरा अपना पुराना बिल तो दिखाइए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि टेलीफोन का बिल दिखाइए। हाँ, अभी ले आती हूँ। जाइए लाइए, बहुत तीखी लगती है, कड़वी भी है। अमृत चेमर पिलाइया, यहाँ बैठी है। अमर हूँ, अमर। भाभी से बात हो गई, चिट्ठी में पढ़ लेना, टाइम और पता लिखा है। अरे क्या आप लोग फोन में तकलीफ देती है? कोई टेलीफोन वाले फोन खराब नहीं है, टेंशन देती है, तकलीफ देती है, टाइम खराब करती है, मालूम है? ये रहा बिल। अरे काय का बिल, अपना बिल अपने पास रखिए, हमने अपना काम कर लिया। कर लिया? वो कैसे? वो क्या बात थी मैडम कि आपके टेलीफोन के लाइन में जबरदस्ती का वायर घुस के करंट मारा था, हमने उस वायर को बाहर निकल के फेंक दिया और अपनी वायर फिट कर डाली। कोई समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना, आपको समझना भी नहीं चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। नहीं ना, प्रणाम। तू क्यों हंस रही है? हेलो। हाँ भाभी, मैं अमर बोल रहा हूँ। हाँ अमर बोलो। भाभी बहुत देर हो गई है, मैं घर नहीं आ सकता, तुम नेशनल पार्क आ जाओ ना। नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकती। मैं कुछ नहीं जानता। देखो मेरी मजबूरी तो सुनो। कोई मजबूरी नहीं, कसम खाकर कहता हूँ अगर तुम नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और मेरा खून, मेरे प्यार का खून
तुम्हारे सर लगेगा। अच्छा बाबा अच्छा, मैं आ जाऊंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, चुपके से चली आना। और सुनो, घर में किसी को शक ना होने पाए। ओके, तुम फोन रख दो, बाय। अरे आप आज आप इतनी जल्दी क्यों? मेरा वक्त से पहले आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, कैसी बातें करती हैं आप। आप आए और मुझे अच्छा ना लगे, मगर कभी वक्त से पहले आते थे तो फोन कर दिया करते थे। हाँ, मगर कभी कभी फोन किए बगैर भी आ जाना चाहिए, माहौल का पता चल जाता है। कैसा माहौल? घर छोड़ो माहौल को, अब चूंकि मैं जल्दी आ ही गया हूँ तो सुना शहर में बहुत अच्छी पिक्चर लगी, चलो उसे देखने चलते हैं। नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं अकेला ही चले जाता हूँ। आशा, इतनी बन छन के लहराते हुए कहाँ जा रही है महारानी? मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। यही है ना तेरी लाइब्रेरी? जवाब दे, क्यों साफ सुन गया या दम उखड़ गया? आज पता चला कि कॉलेज और लाइब्रेरी के नाम पर तू क्या गुल खिला रही है? बेशरम, बेहया, चुड़ैल, चल चल अंदर, चल जा अपने कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी। तू अंदर जाती है कि नहीं? नहीं। क्या जवाब देती है? अब कब दिखाती है? बेशरम, जवाब चलो, कमीनी, जवाब देती है? बेशरम, चल, तू जा अपने कमरे में। मैं कहती हूँ जवाब दे। ओहो, बहुत देर कर दी उसने, मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। ऐसी अशुभ बातें मत करो, तुम्हारी हिम्मत के सहारे ही तो मैं अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। और अगर तुम भी ऐसा दिल तोड़ने वाली बातें करोगी तो मेरी तो घटिया ही खड़ी हो जाएगी ना। अरे पागल, अकल है क्या तुझे? तेरे भैया घर आए थे और मुझे सिनेमा ले जाने की जिद कर रहे थे, उन्हें टाल कर आई हूँ। भाभी, भैया का ख्याल तो रोज ही रखती हो, कभी कभी अपने बेटे का भी ख्याल रखा करो। नहीं, ख्याल है, इसलिए तो मैं उनसे बिना बोले चली आई हूँ। अरे मेरी भाभी, कितनी स्वीट हो तुम। अभी 5 बज गए, वो बेचारी जरूर घर में फंस गई होगी, इसीलिए नहीं आ पाई। लेकिन भाभी, भाभी उसे कुछ भी करके आना चाहिए था। अब देखो ना, मैंने तुम्हें बुला लिया और वो गायब। चलो ना, चलो। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं? तो फिर आपका क्या रहता है, कहीं जाकर लटक जाऊं? कैसी बातें करते हैं, मेरा मतलब है मैंने सोचा था आप शायद फिल्म देखने गए होंगे। फिल्म देखने नहीं, इसी फिल्म की शूटिंग देखने गया था। शूटिंग? किस फिल्म की है? कुछ अपने ही लोग, उनकी शूटिंग देखी। अच्छा, मालूम है मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा? रोमांटिक सीन चल रहा था हीरोइन हीरो में। वैसे अगर उस हीरोइन को देखो तो घर में बिल्कुल सीधी सादी, सीता जैसी शरीफ, मगर वहां अपने हीरो के साथ ऐसे गुलछर्रे उड़ा रही थी। कमाल है। वैसे तुम कहां थी? मैं किचन में थी। अच्छा अच्छा, किचन में थी। एक बात बताओ सीता, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्यों, आपको मेरे प्यार पे शक है? नहीं, सुना है समुद्र की गहराई को नापना आसान है मगर औरत के दिल की गहराई को नापना मुश्किल है, इसलिए। जिसने भी कहा गलत कहा, औरत के दिल की गहराई को नापना बहुत आसान है मगर उसके लिए आंखें चाहिए और वो आंखें सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है। खैर, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।